ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्रिलियंट प्रोस्थेटिक मेकअप जो यूज हुआ है जिस तरह से उनका चेहरा ट्रांसफॉर्म किया गया है वह सुपर लगेगा आपको बट अनफॉर्चुनेटली वो जो डिजायर्ड इम्पैक्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए था वो उतना प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है इस एपिसोड में अब फिर भी एपिसोड में एलिमेंट्स है जो आपको बांधे रखेगा आपको एक एंटिसिपेशन है कि भैया ये जो आदमी है के के मेनोन का कैरेक्टर जो एक लोनर है बेसिकली वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके कहां से कहा जाएगा उसका लाइफ जब आप ऐसा एंटिसिपेशन में बैठते हो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मजेदार होगा वो जो क्लाइमैक्स मैंने देखा दोस्तों वो बाबा के साथ जो चीजें होता है के के मेनोन और वो बाबा का जो यू you नो know, इंटरेक्शन होता है कन्फ्रंटेशन जैसा जो एक चीज होता है उसके बाद जो क्लाइमैक्स में जो होता है दोस्तों दैट रियली रोइन डेट यार बहुत अनकन्विंसिंग लगा वो जरूरत नहीं था वैसा क्लाइमैक्स मैं मेरे को बिल्कुल नहीं जमा वो क्लाइमैक्स आई I मीन mean, वो क्लाइमैक्स देख के मैं बोला भाई ये पूरा कचुम्बर कर दिया यार मतलब तब तक फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था और मुझे लगा एटलीस्ट क्लाइमैक्स में लोग मार के लेके जाएगा एक अच्छा एक सुपर ट्विस्ट देगा बट जो ट्विस्ट एक्चुअली देखा मैंने दैट वॉज लाइक वेरी अनकसिंग रियीलीम्प्रेस मी एट ऑल तो ओवरऑल टर्न आउट टू बी जस्ट अबाउट एन एवरेज एपिसोड केके मैंने उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा इन डिफरेंट अवतार जो उन्होंने डिफरेंट परफॉर्मेंसेस दिया है वो देखने लायक है परफॉर्मेंस केके मैंने उनका सुपर उसके लिए मैं फोर आउट ऑफ फाइव दूंगा उनके परफॉर्मेंस के लिए बट स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया एंड मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग दैट फाइनल ट्विस्ट द क्लाइमैक्स